हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो में ऐसे कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूं जो कॉइन काफ़ी डीप के अंदर है, काफ़ी अंडरवैल्यूड है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, टीम काफ़ी स्ट्रॉग है, कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, इसकी यूटिलिटी और इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा है और डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है आपको बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या कर सकता है और कितना इसके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और आगे चल करके इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस, सारा मिथ आपको समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो जिस कॉइन के बारे में बातें करना, और उसका नाम है SPACE, ठीक है, CE स्पेस, ठीक है, इस कॉइन का लोगो है, लोगो देख सकते हैं। अगर हम इस कॉइन के अंदर $100 इन्वेस्ट करते हैं तो $100 के जो कॉइन हमें मिलेंगे 6.80, तकरीबन 7 कॉइन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। एक कॉइन की जो प्राइस है वो है 14.7000, ये इसकी तकरीबन $15 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है एक कॉइन की, ठीक है। सिक्योरिटी सप्लाई है $1.2 मिलियन की, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी प्राइस पहुंच जाती है 73.50, ठीक है, तो 5x का रिटर्न मिल जाएगा और $91.8 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल होगी उस वक्त और 0.5 के उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी $100 का $500 हो जाएगा। अगर $147 इसकी प्राइस पहुंच जाती है तो 10x का रिटर्न मिल जाएगा और $183.6 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल हो जाएगी और 1K इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी $100 का $1000 हो जाएगा। अगर 367.50, तकरीबन 350-400 के आसपास इसकी प्राइस पहुंच जाएगी तो 25x का रिटर्न मिल जाएगा और 458.9 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल हो जाएगी और 2.5K इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी $100 का $2500 हो जाएगा। अगर 735.00 इसकी प्राइस हो जाती है तो 50x का रिटर्न मिल जाएगा और 917.8 मिलियन की इसकी मार्केट कैपिटल हो जाएगी और 100 की वैल्यू हो जाएगी 5000, ठीक है, $5000। अगर इसकी प्राइस पहुंच जाती है 11102.50 तो 75x का रिटर्न मिल जाएगा और उस वक्त मार्केट कैपिटल होगी $1.4 बिलियन की और 7.5K इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी $100 का $7500 हो जाएगा। अगर इसकी प्राइस 1470.00 की हो जाती है, यानी $1417 की हो जाती है, तो 100x का रिटर्न मिल जाएगा और उस वक्त मार्केट कैपिटल होगी इस कॉइन की $1.8 बिलियन की और 10,000x का, तो सॉरी 1,100 जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका वैल्यू हो जाएगी $10,000, ठीक है। अगर इसकी प्राइस पहुँचते 7350 यानी $7,350 पहुँच जाती है तो 500x का रिटर्न मिल जाएगा, उस वक्त मार्केट कैपिटल होगी $9.2 बिलियन की और $50,000 की वैल्यू हो जाएगी उस वक्त। अगर इसकी प्राइस पहुँच जाती है 14700 यानी $14,700 पहुँच जाती है तो 1000x का रिटर्न मिल जाएगा और उस वक्त मार्केट कैपिटल होगी $18.4 बिलियन की और $100 की जो वैल्यू होगी वो होगी $1,00,000। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, हर चीज़ पॉसिबल होती है। अगर शिबा इनू, जिसका शुरू के अंदर कोई खास यूज केस नहीं था, अगर वो इससे ज़्यादा मार्केट कैपिटल अचीव कर सकता है तो डेफिनेटली स्पेस ज़रूर इससे ज़्यादा मार्केट कैपिटल अचीव करने की साहित रखता है। तो आई होप कि आज की वीडियो को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी वीडियो का लाइक करें, चैनल बनाए जो सब्सक्राइब करके प्रेस करें ताकि वीडियो को इस तरीके की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहा। अपने कमेंट्स, अपने ख्याल से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।